गुड मॉर्निंग एट क्लास, वेलकम टू माय साइंस क्लास। एट क्लास, अब हम साइंस में चैप्टर नंबर 18 कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 18 में क्या है? पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर निकालिए। चैप्टर नंबर 18, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, 239 पेज नंबर। पोल्यूशन, पोल्यूशन में होता क्या है? जब अनवांटेड एयर्स मिल जाती हैं एयर के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ये गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एयर में, तो क्या हो जाता है? पोल्यूशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाता है? पोल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा व्हीकल चलेंगे तो क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, 21% ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो है कार्बन, आर्गन, मीथेन, ओजोन, ये सारे वाटर वेपर्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनमें डिस्टरबेंस होने से पोल्यूशन हो जाता है। वन ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक्स इन द एटमॉस्फेयर। स्मोक्स ज़्यादा बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू नोन Where the smokes could have come from? Smokes कहाँ से आता है? Addition of such a substance to the atmosphere modified it. When air is contaminated by the unwanted substance which have a harmful effects on both living and non-living is referred as air pollution. Living और non-living दोनों के लिए जो चीज़ें harmful होती हैं वो हमारे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। जब एयर में डिस्टरबेंस हो जाती है या आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? पेड़ है जो हमारे, वो दिन रात काटे जा रहे हैं, पेड़ों की जो पोल्यूशन पेड़ों का होता है वो कम हो रहा है, और इंसानों की पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो उनके बढ़ने से क्या होगा? गाड़ियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, तो गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अनवांटेड थिंग्स हमारे एयर के अंदर मिक्स जा हो जाती हैं तो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 240 पे, ये फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से ये देखिए निकलने वाला धुआँ, गाड़ियाँ, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआँ होता है, ये देखिए ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ, ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ, सारा क्या कर देते हैं? पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट लाइक कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रीज तो करते ही हैं। द सब्सटेंस विच कंटामिनेटेड द एयर इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। कंटामिनेटेड मिल जाते हैं जब एयर के अंदर तो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसको एयर पोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लगती है, वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, पोल्यूटेंट्स आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है, जैसे पावर प्लांट लगा दिया, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनसे जो डग्स हैं, काउडंग केक्स वगैरह हैं, फायरवुड है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती चली जाती है एटमॉस्फेयर में, तो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। गाड़ियों में से निकलने वाला जो धुआं होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक्स, ये सारे जब हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस कब बनती है? जब इनकम्प्लीट बर्न्ड होता है कोई सब्सटेंस, तो उससे निकलने वाला धुआं क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो हार्मफुल होता है हमारे हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लड में ईजली मिल जाता है और वो जहर है पूरी बॉडी में हमारा फैलता चले जाता है, कुछ समय के बाद हमें बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो जाता है। द स्मोक विच इज मेड अप ऑफ स्मोक्स एंड फॉग्स, ये भी हमारे पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द जो हमारे फ्रिजेस वगैरह हैं, इसके अंदर जो गैस होती है CFC कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर कंडीशंस वगैरह जो होते हैं इनमें से जो गैस निकलती है वो क्या है? CFC गैस हैं, ये हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को इफेक्ट करती हैं, हार्मफुल है हमारे अल्ट्रावायलेट रेस के लिए। ओजोन के अंदर जो होल होता जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंक्रीज करती जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और या फिर आप कहोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपके जो फ्रिज होती है
फ्रिज इतनी ठंडी इसलिए होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है के कारण वो ठंडी होती है, और एसी है इनसे जो गैसें निकलती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, के स्टडी ऑफ ताजमहल। ताजमहल जो है पेज नंबर 241 के स्टडी ऑफ ताजमहल। ताजमहल जो है हमारा उसको भी बहुत ज़्यादा दिन पहले नुकसान होता जा रहा है। वो वाइट से बिल्कुल कैसा कलर उसका चेंज होता जा रहा है, वो येलोइश में होता जा रहा है। येलोइश में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उसके आसपास जितनी भी एरिया है ताजमहल के पास, तो फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जा रही हैं और उन फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं इतना हार्मफुल होता है कि उसको ताजमहल को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इंसानों को एसिड इतना ज़्यादा निकल रहा है कि उससे जो वहाँ पर होने वाली रेन होती है वो एसिड रेन होती है, और इंसानों को तो नुकसान पहुंचता ही है। स्किन प्रॉब्लम वगैरह होती हैं, साथ साथ ताजमहल जैसे ये है एक ऑर्नमेंट उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसकी जो जैसे पहले दिखाई देता था वैसे वो नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। ठीक है, द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन अराउंड ऑफ आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड स्पेशली फॉर द मोन्ट्रास ऑयल रिफाइनिंग हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वहाँ की फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलने वाला है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो है, और उससे हमारे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जब ये जाकर ऊपर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है तो वहाँ पर होने वाली जो आपकी रेन होती है उसमें दो गैसेस मिक्स हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऐसे गैसेस से मिक्स होने पर जब बारिश होती है तो उस बारिश को क्या बोला जाता है, एसिड रेन। एसिड में मिक्स हो जाते हैं तो एसिड रेन है, जो हम ऐसे रेन को एसिड रेन बोला जाता है। रेन एसिड रेन कॉन्टैक्ट द महल्स ऑफ द मार्बल्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स, मार्बल्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, मार्बल कैंसर हो जाता है, इसको हम मार्बल कैंसर बोलते हैं। जब ये मार्बल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ह्यूमन बींग्स को तो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सर्वल स्टेप्स टू सर्व द ताजमहल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं कि ताजमहल को बचाया जाए। फैक्ट्रियोज को निकलने वाली फैक्ट्रियोज की जो चिमनियाँ होती हैं उन चिमनियों को बहुत ऊंचा करा जाए, या फिर उनसे निकलने वाले हार्मफुल सब्सटेंस को बरेट किया जाए अंडर द अर्थ। ओके, इसलिए हमें उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो हमारे पोल्यूटेंट बहुत कम होगा, लेकिन जो है अब है पेड़ की बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, पेड़ों की कमी होने से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये अभी था हमारा एयर पोल्यूशन। अब आता है वाटर पोल्यूशन। जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों में से तो उससे जो है एयर पोल्यूशन कह लेते हैं, लेकिन क्या है पानी में उसकी गंदगी को छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। हाउ डज वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, पानी कैसे पॉल्यूट होता है। जैसे गंगा रिवर है, द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट द वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूटेड। जो सब्सटेंस वाटर को पॉल्यूट करते हैं उसे वाटर पॉल्यूटेड बोला जाता है। घरों में से नहाने का है, आपके कपड़े धोने का है, और जो टॉयलेट्स के हैं पानी जो पानी में जा के मिल जाते हैं तो वाटर को क्या करते हैं, ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को जैसे किचन का है, किचन में हम सारा सब कुछ हम पानी में बहा देते हैं, नालियों में बहा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, लेकिन उसको हम बचा सकते हैं काफ़ी हद तक। जो है सिर्फ पानी ही जाने दीजिए उसमें, लेकिन जो गंदगी है उसे डस्टबिन में डालेंगे तो काफ़ी हद तक हम पानी को गंदा होने से रोक सकते हैं। जो गंदगी है पानी के अंदर ना डालें, जैसे गंगा है, गंगा में बहुत कुछ डाला जाता है तो गंगा भी गंदी होती चली जा रही है। गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने लिया है ताकि गंगा में जो गंदगी डालेगा उसको कोर्ट के थ्रू पेनल्टी होगी, या फिर उसको गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, ये लॉन्च किया था 1985 में लॉन्च किया था। तो जो गंगा को पॉल्यूट करेगा सरकार उसे कोर्ट उसे नुकसान क्या करेगी, या तो उससे पेनल्टी लेगी, पैसा लेगी, या जेल में भेजेगी। तो इससे गंगा एक्शन प्लान में ये है कि कोई भी गंगा को गंदगी ना फैलाए गंगा में।
ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ न्यू इनोवेशन नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एक और गंगा प्लान के अकॉर्डिंग एक और मिशन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने 2016 में, कौन सा था? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG स्टार्ट किया था। कानपुर में है जो गंगा, वहाँ से गंदगी होती हुई बहुत ज़्यादा होती चली जाती है, धीरे 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 वो आगे आती है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन इन यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा है। पीपल्स कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग, क्लोसिंग, डिफेटिंग इन दी रिवर, रिवर में बहुत गंदगी फैलाते हैं, वहाँ नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं और गंदा गंगा में डालते रहते हैं, जिससे गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, तो इससे वाटर पॉल्यूट हो जा रहा है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कम्पेरेबल स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। वहाँ पे रिवर का फ्लो बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। बहुत गंदगी वहाँ पे पाई जा रही है। द 5000 इंडस्ट्रीज कानपुर में बहुत ज़्यादा 5000 से ज़्यादा भी इंडस्ट्रीज सेटअप है वहाँ पे, और वो इंडस्ट्रीज का जितना भी गंदगी होती है, जैसे फर्टिलाइजर है, डिटर्जेंट है, लेदर्स वगैरह की, ये इंडस्ट्रीज हैं पेंट की, देन दीज इंडस्ट्रीज यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्टेज इनटू द रिवर, और टॉक्सिक सब्सटेंस वो पानी में छोड़ देते हैं ये फैक्ट्री का। टॉक्सिक यानी कि जहरीला सब्सटेंस वो पानी में छोड़ देते हैं, जितनी भी गंदगी है वो पानी में छोड़ी जाती है, तो पानी बहुत गंदा होता चला जाता है यहाँ पे। वॉट आर द फैक्ट्रीज वॉट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ द रिवर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इन टू रिवर एंड द स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ऑफ ऑयल रिफ्रेशर्स, पेपर्स फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स, ये जो है इनके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रही है, पानी के अंदर छोड़ा जाता है तो सारी पानी गंदा हो जाता है। जितने भी माइक्रोब्स और एनिमल्स भी इनके अंदर रहते हैं जो पानी के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इन इस पानी को अगर साफ करके भी हमारे पास तक ही भी जा जाता है, जब हम इसे पीते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता और हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें जो पाए जाते हैं जाने वाले कीटाणु होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है, उनसे होने वाली बीमारियाँ, क्लोरिया, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये सारी बीमारियाँ इनसे होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। पोटेबल वाटर, व्हाट इज़ अ पोटेबल वाटर, वो पानी जो साफ़ सुथरा होता है, जिसको हम अपने यूज़ के लिए लेके आते हैं, उसे पोटेबल वाटर बोलते हैं। एंड हाउ डज वाटर प्योरीफाइड, पानी को प्योरीफाइड फैक्ट्रियों के द्वारा ही, बहुत बड़ी मिल्स होती हैं, उनमें पानी को प्योरीफाइड किया जाता है और हमारे घरों तक भेजा जाता है, देखिए, ठीक है। इसको इस तरीके से प्योरीफाइड करके हमारे पास भेजा जाता है। वाटर विच इज सस्टेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी पीने लायक होता है उसे पोटेबल वाटर बोला जाता है। तो हमें क्लीन आर का यूज़ करते हुए हम पानी को साफ कर सकते हैं। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल करके हम पानी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो गंदगी को काफ़ी हद तक, पानी की गंदगी को ही नहीं और भी गंदगियों को हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। वी मस्ट बी कोटेशन, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। हाँ, क्लोरीनेशन इज द कॉमनली यूज फॉर केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग ऑफ वाटर। इट इज़ डन बाई दी एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू दी वाटर। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स लाई जाती हैं ताकि वो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। थोड़ा बहुत है ठीक है, पानी साफ हो जाएगा, पीने लायक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुँचाता है। तो हमें 3 R's का यूज़ करना चाहिए। 3 R मीन्स रिड्यूस रियूज रिसाइकल, इस 3 R का यूज़ करेंगे तो हम पानी को काफ़ी हद तक और एयर को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। वाटर प्लांट लगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े। पॉल्यूशन इज मोर लॉन्ग इज डिस्टेंस फिनोमेना, इट इज एफिशिएंस ऑफ क्वालिटी ऑफ डेली लाइफ्स। डेली लाइफ्स में हमें पानी बहुत चाहिए, इसलिए कि हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, इन चीज़ों को
हमें पानी में जो गंदगी है उन गंदगियों को अगर हम ना डालें तो पानी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। टिल देन बाय, ऑल ऑफ यू बेटा, अच्छे से इसको रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन में आंसर मैं आपको सेंड करूँगी, तो उनके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं और कॉपी को बिल्कुल कम्प्लीट करनी है। अपने फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं आपके अब, ठीक है, तो फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर के लिए अपने आपको। टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।